जो अभिभावक देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी सूचना है कि आज हमारे स्कूल परिसर में हमारे पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विमल कुमार तिवारी की स्मृति में विमल कोचिंग सेंटर का उद्घाटन हमारे मुख्य अतिथि विवेक कुमार तिवारी और डॉक्टर केसी मेहता ने किया है। इसमें जो भी बच्चे पढ़ाई करेंगे वो उनका एजुकेशन फ्री में होगा, उनको कोई चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है, वो फ्री में पढ़ाई करेंगे और उसी प्रकार पढ़ाई करेंगे जैसे हमारे हमारा विद्यालय उनको पढ़ाता चला आ रहा है। जरूरत है आपके विश्वास की, जरूरत है आपके ताकत की, जरूरत है आपके सहयोग की, प्यार की और सहानुभूति की। हम उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे जिस प्रकार का सफर हमने 11 वर्ष हम और क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अपने स्कूल का विस्तार कर रहे हैं जैसा कि अभी आपको आपके मुख्य अतिथि श्री विवेक कुमार तिवारी ने बताया था। हम आगे भी स्कूल का डेवलपमेंट करेंगे और हर साल 10 बच्चों को छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप दिया जाएगा। वैसे बच्चों की गणना हम करेंगे जो कि या तो बहुत गरीब होंगे या जो पढ़ाई में बहुत तेज होंगे, वैसे बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। आपका स्कूल अभी G+2 दिखता है, कुछ दिनों के अंदर ये स्कूल G+3 में नजर आएगा। फिर से मैं बताऊं कि आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका विश्वास, आपकी ताकत की जरूरत है क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको आपका सपोर्ट, आपका सहयोग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हम आपको अभी बताएंगे कि बच्चे किस तरह से इंग्लिश में बात करते हैं। आपके सामने 5 बच्चे अभी आएंगे और आपको उन 5 बच्चों में टॉप 1, 2, 3, 4, 5 चुनना पड़ेगा और उन बच्चों को दानी अवार्ड दिया जाएगा जिसकी ट्रॉफी आपके सामने रखी हुई है। मैं अभी कुछ देर के अंदर उन बच्चों को बुलाऊंगा और आप देखेंगे कि आपके बच्चे किस प्रकार से इंग्लिश में बात करते हैं। मैं उसका छोटा सा नमूना, छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि बहुत सारे अभिभावक ये पूछते हैं बार बार, मुझे जवाब देते देते बहुत परेशानी होती है कि सर आपका स्कूल कितने क्लास तक है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं मेरे यहाँ क्लास 10 तक की सुविधा है। डिसाइड आपको करना है कि आप मेरे यहाँ पहले क्लास तक पढ़ाते हैं या दूसरे क्लास तक पढ़ाते हैं या तीसरे क्लास तक पढ़ाते हैं। मेरे यहाँ G+2 तक का बिल्डिंग है, मैं आने वाले समय में और एक फ्लोर बनाने जा रहा हूँ, तो मेरे पास कक्षा 10 तक की सुविधा है। ट्रेंड टीचर्स से मैं मंगवाने जा रहा हूँ। ट्रेंड टीचर्स का जो एडवर्टाइज है वो आपने अपने स्कूल के मुख्य गेट में देखा होगा, तो ट्रेंड टीचर्स भी अब हमारे स्कूल में नए सेशन में आएंगे। तो आपको बार बार ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सर आपका क्लास पढ़ रहा है नहीं। मैं अभी 500 अभिभावक हैं उनके सामने बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ कक्षा 10 तक की सुविधा है। डिसाइड आपको करना है कि आप मेरे यहाँ पढ़ाना चाहते हैं या कहीं और ले जाना चाहते हैं। मेरे में जाएंगे और जो 8 में है वो 9 में जाएंगे, जो 9 में है वो 10 में जाएंगे। तो डिसाइड आपको करना है और हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की फैसिलिटी हम अपने स्कूल में दे रहे हैं, आने वाले समय में भी हम देंगे। कराटे का जो क्लास शुरू हुआ, बच्चे बहुत अच्छा कराटे करते हैं, जैसा कि अलका ने बताया कि सीढ़ी में चढ़ रहे हैं तो भी पंच मार कर चढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो भी कराटे है। उसको खुलकर टीचर से डिस्कस कीजिए। आप अगर अपने आप में डिस्कस करेंगे तो उसका समाधान कहीं नहीं निकलेगा। आपका हर आपकी हर समस्या की का जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है, वो हम करते आ रहे हैं और जब तक सांस चलेगी तब तक करते आएंगे, तब तक करते रहेंगे। जो साथ आपने दिया है, जो विश्वास आपने दिया है, उसी प्रकार का विश्वास आप हमारी माता जी आई हैं, भाभी आई हैं, सभी लोगों को शुभकामना। और अब मैं बुलाना चाहूँगा विशाल कुमार को जल्दी से कि वो आपके सामने उपस्थित हो। विशाल सपना सूफी फेबियन स्टेफी, प्रिंसिपल एंड माय ओल्ड फ्रेंड, नाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर सम स्पीच टू यू ऑल अबाउट दिस टॉपिक आवर एक्स विमल कुमार तिवारी। दैट विमल कुमार तिवारी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन खूटी। ही हैज गेन रिस्पेक्ट एंड गुड रिगार्ड्स टू अदर। वी मे मोरी द पर्सन दैट गिव्स गुड नॉलेज एंड होनेस्टी इन द वे। दैट इज आवर एक्स प्रिंसिपल एट विमल कुमार तिवारी। नॉलेज इज ट्रांसमिटेड बाय द हेल्प ऑफ दैट मैन who has helped very much in our studies. He used to teach us geography. He was very gentle and kind-hearted teacher, and we never forget him. Bimal is our function, and there is many people there also meeting,
एंड आई एम वेरी सैड दैट आवर विमल कुमार लेट विमल कुमार तिवारी इज नॉट हियर एंड थैंक यू। विशाल का आपने स्पीच अभी सुना, भी आपको वोट देना पड़ेगा विशाल के लिए। विशाल कुमार क्लास सिक्स, अगर आपको विशाल का इंग्लिश कन्वर्सेशन पसंद आया तो उसके लिए आप वोट कीजिएगा, मतलब लिखिएगा कागज में और डब्बा में डालिएगा कुछ देर के बाद। गौतम जी और केवल जी जहां कहीं भी हैं यहां पर आप लोग दोनों आ जाइए। गौतम जी और आप उसमें विशाल का नाम लिखिएगा और डब्बा में डाल दीजिएगा। और अब आपके सामने सपना कुमारी, पिछले साल इंग्लिश कन्वर्सेशन में पहले स्थान पर थी, आपको याद होगा। अभी ये दो शब्द आप बोलिए सचिन तेंदुलकर के बारे में। Teachers and our chief guest and here all the, our guardians. Today I am going to speak some lines about Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar is a famous cricketer. He is famous all over the world and he is my favorite cricketer. I like to see the cricket and his full name is Sachin Ramesh Tendulkar and his wife name is Anjali Tendulkar. She is a doctor and he has one son and one daughter. When Sachin Tendulkar was only 16 years old, he started to play cricket. चटा नहीं है, ये बच्ची fluently English में बात कर सकती है। जैसा हम हिंदी में बात करते हैं वो English में बात करती है। सपना कुमारी क्लास 4, अभी जो बच्ची थी वो सपना, अगर आपको इसका स्पीच पसंद आया है तो आप उसमें सपना का नाम लिखिएगा। और इसके बाद सुरभित सिंह, आप बोलिए अपने एम्बिशन के बारे में। Hi, I am Surbhi Singh of class 5. Something about my ambition. Everyone have ambition. I have also ambition. I want to become an IPS officer. It is dream of my family and I will fulfill the dream of our family. And I will complete my study. I will take this dream in life. Our ex-principal has given admission to poor children because he thought that if I will give him admission, they will become anything in her future. And this is my father is also want to that I will become an IPS officer and I will fulfill the dream of our future also. सेकेंड प्राइज इसने जीता था पिछले साल 2012 में। अब बारी है बेबी फिलिप की, आप बोलिएगा। चलो देना। अपने बिना सर के बारे में बोलिए। I want to say something about my about our teacher. His name is Vinay sir. He is very punctual. He always wears simple dress. His teaching style is very impressive. I like him too much. He always helps Manish sir. He always gives us good advice. He is the teacher of biology. He is the smartest teacher in our school. And I like him. Thank you. छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात बेबी ने कही। बेबी फिलिप क्लास सिक्स। और अब बारी है बबीता कुमारी की। बबीता ने पिछले साल कहा था कि मैं टॉप 5 में आऊंगी और इसने इस बात को चरितार्थ किया है, साबित किया है। और ये बबीता कुमारी आपके स्टेज में टॉप 5 में शामिल है। बबीता कुमारी क्लास सिक्स, आप किसके बारे में बोलिएगा, क्या बोलिएगा आप? अगर आपको गुड मॉर्निंग, Today I want to speak about our 11th annual function. Today we are celebrating our 11th annual function and it is very good for us. We are very happy, we were very excited to celebrate our 11th annual function and some students are doing drama and some students are singing a song. And I am also dancing and thanks for chief guest to come in our 11th annual function and thanks for parents and thanks for God. Thank you. And अगर आपको बबीता का इंग्लिश पसंद आया तो उसके लिए वोट कीजिए और उसमें बबीता लिखिए और उस कार्टून में डाल दीजिए। और
इन्हीं बच्चों में से एक तीन बच्चों को दानी अवार्ड की ट्रॉफी दी जाएगी और इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे विशाल का स्पीच पसंद आया तो विशाल का नाम लिखिए, अगर सपना का स्पीच पसंद आया तो सपना का नाम लिखिए, अगर सुरभि का स्पीच पसंद आया तो कागज में सुरभि का नाम लिखिए, अगर फेबी का नाम पसंद आया तो फेबी का नाम लिखिए, और अगर बबीता का नाम पसंद आया तो बबीता का नाम लिखिए और उस कार्टून में डाल दीजिए। हम लोग उसको काउंट करेंगे और कार्यक्रम के अंत में आपके बीच उस बच्चे का नाम अनाउंस करेंगे और उस बच्चे को दानी अवार्ड की ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे। क्लास 30 गर्ल्स पूजा एंड ग्रुप to me।